नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजे न्यूज झारखंड के सुप्रीम टीवी में। मैं इंदु कुमारी हूँ, बड़ो कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर रात दिन अपनी सेवाएं दे रही मोहभंडार पुलिस को आज शाम मोहभंडार जामा मस्जिद के लोगों ने ताली बजाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। सोशल डिस्टेंस के तहत सभी के हाथों को पहले सैनिटाइज किया गया था। उसके बाद मोहभंडार को भी प्रभारी उमाकांत तिवारी, प्रशिक्षु दरोगा सौरभ सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जामा मस्जिद के महासचिव जाबिर अली ने जीटीएन न्यूज को बताया कि कोरोना महामारी से घाटसिला क्षेत्र अछूता है और इस क्षेत्र को महामारी से बचाने में मोहभंडार पुलिस की भूमिका अहम है। इन्होंने रात दिन एक कर लोगों को इस महामारी से बचाने का अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्म योद्धा को मोहभंडार मस्जिद तहे दिल से धन्यवाद देती है। इस मौके पर मुख्य रूप से शाहिद परवेज, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इम्तियाज, कैसर समीम, शेख मंजर इमाम, समीर खान एवं असगर अली उपस्थित थे। और भी विकास करके जो है ना, प्रशासन का एक बहुत अहम रोल रहा है, ताकि इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। सहयोग की वजह से आज हाल ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह घाटसिला और मोहभंडार हमारा सेफ है। इसीलिए इस बुनियाद पर हम लोग जो है ना, यहाँ को बुला करके इन लोगों को सम्मानित किए हैं, योगदान रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रशासन को बुलाकर, जिन्होंने कड़ी धूप में मेहनत करके ना अपना जान और जो है ना वक्त को नहीं देखते हुए, खाना पीना को नहीं देखते हुए, इन्होंने जो है ना पूरा जो है ना, और हम लोगों का जो है ना, हम लोगों को सेफ रखने के लिए इन लोगों ने मेहनत किया है। कुछ देर के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी पाबंदी और इतनी सब कुछ, लेकिन आज इसका फल ये मिला कि आज हम सब सेफ हैं। शुक्रिया। सहयोग किया है कोरोना वायरस महामारी में, आप लोग का सहयोग जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र आप हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग पुनः इसको कायम रखिएगा और सहयोग पूरा कीजिए। हम आपको हर एक कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। वालों को और हमारे ओपी के प्रभारी और जो यहाँ पर मौजूद है, उन सबको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जामा मस्जिद मोहभंडार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, आज दिनांक 4/5/2020 जामा मस्जिद मोहभंडार मस्जिद कमेटी के जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया, ताकि हमारे प्रशासन बड़ी ही चुस्त और दुरुस्त होकर के और एक्टिव होकर के अपने काम को किया इस कोरोना वायरस के इसमें। इसलिए क्या है कि हम लोगों ने प्रशासन को बुलाया ताकि उनका जो है ना एक हौसला अफजाई किया जाए, ताकि इन्होंने एक महीने तक जो है ना लगन के साथ मेहनत किया, करने के बाद जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा कि आज मोहभंडार और घाटसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये क्षेत्र कोरोना वायरस जो है इससे मुक्त है। इसीलिए हम सबों ने इनका सम्मान किया है। इसलिए हम जो है ना सारे वासियों से और सारे हिंदुस्तान वासियों से ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हर कोई जो है ना कानून का पालन करे और जो है ना अपने इलाके के, अपने जगह के, जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह के ताना प्रभारी और इनकी जो है ना सम्मान करे, और सफाई कर्मी इनकी भी सम्मान करे, सम्मान करते हुए चले, और हर कोई अपने जो है ना इस वक्त के कानून के एतबार से हर चीज़ का पालन करे। आपका परिचय? मैं जामा मस्जिद मोहभंडार का सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी जाबिर। धन्यवाद कि ये काम जो उठाया है, उसके लिए मैं सदा आभारी हूँ, और साथ ही साथ कोरोना महामारी में सहयोग का पूरा अपेक्षा करता हूँ कि पूरा सहयोग करेंगे। सर, इसके लिए जहाँ साधुवाद साधुवाद देंगे, और जनता द्वारा मुझे पूरा सहयोग मिला है और मिलता रहेगा। उम्मीद है कि पालन सबको कराना, हमको मेरा कर्तव्य है, आप लोग का भी पालन करना है, और आप लोग उसका पालन हो भी रहा है जी। जनता जनार्दन जो है यहाँ का, सभी लोग कर रहा है। लोग जो गुंडा बदमाश हैं उनको तो हम कुछ तो करवे ना करेंगे, उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। प्रशासन इसके लिए हमेशा तैयार है।